यदि आप 15,000 रुपए के अंडर बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड सर्च कर रहे हैं तो यहाँ आपकी खोज खत्म हुई। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूँ आदित्य एंड लेट्स स्टार्ट। जियोटेक जीफोर्स GTX 1050 सीरीज में एक एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड है। यह जियोटेक ग्राफिक्स कार्ड 4GB रैम के साथ आता है जो 1080p गेमिंग के लिए परफेक्ट है। इसमें आपको 4GB DDR5 रैम मिल जाता है, 128-bit मेमोरी कार्ड। मेमोरी क्लॉक स्पीड की बात करें तो यह 1392 MHz है। दूसरे नंबर पर MSI GeForce GTX 1050 है जिसकी कीमत 13,499 है और रेटिंग तो आप देख ही रहे हैं। MSI का एक प्री फैक्ट्री ओवरक्लॉक्ड ग्राफिक्स कार्ड है जो बेहतरीन प्रदर्शन देता है। यह MSI ग्राफिक्स कार्ड 4GB VRAM मेमोरी के साथ आता है जो 1080p गेमिंग के लिए पर्याप्त है। इसकी डुअल फैन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन एक्स्ट्रा साउंड एंड हीट को अपनी विशेष टेक्नोलॉजी से गायब कर देता है। इसमें भी आपको 4GB DDR5 मेमोरी कार्ड, 128-bit की मेमोरी और मेमोरी क्लॉक स्पीड 1455 MHz मिल जाती है। तीसरे नंबर पर MSI गेमिंग RX 460 का एक बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी ओवरक्लॉक्ड एडिशन GPU पूरी तरह से अलग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यह AMD प्रोसेसर के साथ रेडोन RX 460 टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। ग्राफिक्स कार्ड को चलाने के लिए 75 वॉट चाहिए, इसीलिए इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। यह GPU 1080p पर 40 FPS के साथ आता है। इस ग्राफिक्स कार्ड के कारण आप हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर गेम खेल सकते हैं। अब इसके फीचर्स को देखें तो यहाँ ग्राफिक्स कार्ड में आपको 2GB रैम के साथ DDR5 मिल जाता है और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वह 1210 MHz की है जो बेहतरीन है। चौथे नंबर पर सेफायर रेडॉन का एक बेहतरीन सीरीज है। इस GTX 1050 ग्राफिक्स कार्ड के बाद RX 580 ग्राफिक्स कार्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है। सेफायर RX 580 ग्राफिक्स कार्ड की मदद से आप कोई भी हाई एंड गेम को हाई रेजोल्यूशन में खेल पाएंगे। इस RX 580 ग्राफिक्स कार्ड की ग्राफिक्स मेमोरी 4GB है, इस वजह से आप बिना टाइम इंटरवल के अल्ट्रा सेटिंग के साथ 1080p गेमिंग चला सकते हैं। यदि आप 1080p गेमिंग के लिए 15,000 के अंडर बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड की तलाश कर रहे हैं तो यह RX 580 बिना किसी परेशानी के बेस्ट ऑप्शन है। लिस्ट के पांचवें नंबर और आखिरी में ऑसस सर्वरस GeForce GTX 1050 है। यह 10,000 के रेंज में बेस्ट ऑप्शन है। इसमें VRAM 4GB है और यह ओवरक्लॉक्ड वर्जन का ग्राफिक्स कार्ड है, जिसका मतलब है कि इसे बिना किसी हीटिंग की समस्या के ओवरक्लॉक किया जा सकता है। इसमें भी आपको 4GB रैम मिल जाती है जो DDR5 बेस्ड है। वहीं 1455 MHz का इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है। आफ्टर ऑल जब बात निकल कर आती है कि इन ग्राफिक्स कार्ड को खरीदने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, मेरी तरफ से यही रिकमेंड है कि आप इन ग्राफिक्स कार्ड को ऑफिशियल शोरूम से ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में इसके पायरेटेड कॉपियां भरी पड़ी है। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि amazon.com पर जाके वीडियो में दिए गए नाम को सर्च करें, वहां से ऑर्डर प्लेस करें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सीरीज वाइज आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं, जहां से आप एक एक करके इनकी कीमत भी चेक कर सकते हैं। कभी कभार तो ग्राफिक्स कार्ड की कीमत में 50% तक का भी ऑफर मिल जाता है, इसीलिए आप अभी जाकर चेक कीजिए कि फिलहाल इसकी ऑनलाइन प्राइस क्या चल रही है। आई होप कि गाइज आपको वीडियो अब तक पसंद आया होगा और आपने अब तक लाइक भी कर दिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।